के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आए। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए, उनका भी नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 8-9 लोगों की टीम है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखे जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया, ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी, जो साफ सफाई करनी थी ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा था क्योंकि इतना प्रेशर इतना टॉर्क बढ़ रहा था क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है, 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया है, कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है। हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था अंदर, पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के फोर पोल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, ग्राउटिंग की उसकी और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं रॉक बोल्टिंग भी की हमने ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे प्रॉपर। उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग के वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफकोर्स एक्सेलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी, 2 घंटे लगते हैं उसमें वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे, ये प्रयास रहता हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए हमारे साथ ताकि हम तेज़ी से और आगे बढ़ें।